हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए आज एक छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न से आप चाहें तो डोरमेट बनाइए, आसन बनाइए पूजा के लिए, या फिर आप बेबी ब्लैंकेट बनाइए, या आपके पास अगर बच्चे बच्चे ज़्यादा ऊन है तो आप एक शॉल भी बना सकती हैं या बेडशीट भी बना सकती हैं। तो ये मैंने एक जो मेरे पास सबसे थोड़ा सा ऊन था उससे मैंने ये एक 20 फंदे का ये जो पैटर्न है मैंने 20 फंदे से बनाया है। ये यहाँ से मैंने फंदा डाला है और दोनों तरफ से मैंने इसको सीधा सीधा बीना है। सीधा सीधा बीनते हुए ये मैंने इसको ये 20 धारियाँ कर ली हैं, यानी कि टोटल 40 सिलाई। तो दोनों तरफ से 40 सिलाई बीनने के बाद ये देखिए, ये 20 फंदा है और ये 20 लाइन है। तो ये आप बच्चे बच्चे ऊन, कोई भी ऊन, ये मायने नहीं रखता है कि आप लाइट कलर, डार्क कलर, जो भी आपके पास ऊन बचा है और जो भी आप इसमें कलर लगाना चाहती हैं इसके बाद या पहले, जो भी जहाँ से भी स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने ये सिंपल, ये देखिए, ये वर्धमान का है, 2 प्लाई का ऊन है। आप कोई भी ऊन से, या आपके पास पुराने जो स्वेटर हैं जो यूजलेस हो जाते हैं उनसे भी आप बना सकती हैं। तो ये मैं थोड़ा सा मेरे पास जो ऊन बचा था उससे मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो ये मेरा 20 लाइन यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इसको हम सीधा सीधा बिनते हुए उतार देंगे। ये देखिए, मैंने सीधा सीधा बिना, यहाँ पे कोई फंदा मैंने नहीं उतारा है। तो अब इसको इस तरीके से नॉर्मल उतारना है, इसको टाइट या लूज नहीं रखना है बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर फिर हम फंदा भी उठाएंगे। तो इसलिए इसको हमको इस तरीके से, देखिए, ये सारे फंदे को हमको उतार देना है। इस तरीके से मैंने 20 फंदा डाल के दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए 40 सिलाई बना लिया है, जिससे कि ये गार्टर स्टिच जो हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हैं या उल्टा उल्टा बिनते हैं, तो वो पर्ल डिजाइन जो आ जाती है उसको हम गार्टर स्टिच भी बोलते हैं। तो ये एक पैटर्न हमारा बन जाता है। तो मैंने दोनों तरफ से सीधा सीधा बीना है और अब देखिए, ये मैं इसको यहाँ पे बंद कर रही हूँ। इस तरीके से नॉर्मल, ये लूज नहीं रहना चाहिए और टाइट भी नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल है देखिए, ताकि इसकी ये जो चौड़ाई है इस पर फर्क ना पड़े। ये जितना हमारा 20 फंदे का ये चौड़ाई बिनने पर है उतना ही रहे। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारा लास्ट हो गया। अब इस फंदे को हम देखिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारा ये जो है एक तरह से चौकोर पीस तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे दूसरा ऊन लगाएंगे। आप चाहें तो इसको 2 कलर से भी बना सकती हैं। अगर आप नया बनाना चाहती हैं, किसी बच्चे को गिफ्ट करना चाहती हैं बेबी ब्लैंकेट वगैरह बना के, तो अब यहाँ से हम अपना कोई भी लाइट कलर लगा लेंगे, या आप जो भी बेस कलर लगाती हैं, लाइट से स्टार्ट करती हैं तो ऊपर डार्क लगाइए। तो ये देखिए, इसको हम अभी बंद नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। और इसके बाद जो मैं दूसरा कलर लगाऊंगी वो मेरा है वाइट कलर। तो अब देखिए, इसके लिए ये जो हम लोगों ने बिनाई की है यहाँ से, ये देखिए, ये जो उल्टा उल्टा है, तो यहाँ ये पहले वाले में नहीं, ये जो हमारा दूसरा है ये आराम से आएगा। ये देखिए, जो क्योंकि हमने फंदा उतारा नहीं, अगर हम फंदा उतारते तो हम वहाँ से उठाते, लेकिन हमने फंदा उतारा नहीं है तो यहाँ से हम, ये देखिए, यहाँ से अब हम ये वाइट वाले से, इसको थोड़ा बड़ा ही रखिएगा, तो वाइट वाले से अब हम ये फंदा यहाँ पे 20 फंदा उठा लेंगे, जितना हमने ये 20 लाइन बीना है, एक ये लेके 21, टोटल 21 फंदा। तो ये एक बिल्कुल किनारे से उठाएंगे हम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14,
पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, और लास्ट वाला फंदा एकदम जहाँ से हमने ये फंदा डाला था वहाँ पे उठाएंगे, ताकि हमारा ये बिल्कुल बराबर रहे। ये देखिए 20, ये 20 फंदे हमने उठाए हैं, और एक ये हमारा है, हमने अभी ऊन इसको कट नहीं किया है। अब हम इसको, ये देखिए ये उल्टे साइड में है, यहाँ से अब सीधा सीधा हम पूरा ये बीन लेंगे। इसमें फंदा उतारना नहीं है, इसको बराबर ऐसे बीनते जाना है। तो इसको हम टोटल पूरी सिलाई बीन लेंगे जब तक हमारा लास्ट दो फंदा ना रह जाए, यानी 19 फंदा हम अभी बीनेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब लास्ट का दो फंदा रह गया है, तो इन दोनों फंदों को हम ऐसे साथ में बीन देंगे। और अब इसको आप टाइट खींच लीजिए यहाँ पे, यहाँ से फिर हम इसको कट कर देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से नॉट लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसको बीनेंगे। ये देखिए हमारी एक लाइन हो चुकी है, एक हमने फंदा उठाया था, तो ये अब इधर से हम 20 सिलाई बीनेंगे, यानी हम जो फंदा उठाए हैं और ये वाला बीनने के बाद मेरी दो सिलाई हो चुकी है, और ये जो इस तरफ ये उल्टा उल्टा आएगा ये मेरा 10 लाइन आएगा। तो इसको हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बीन लेते हैं 20 सिलाई, यानी दो हो चुका है, 18 सिलाई हम इसको और बीनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसको इसी के बराबर में ऐसे कट कर लेंगे। ये जब हमारा पूरा तैयार हो जाएगा तो हम इसको पीछे से फंसा देंगे। अब इसको देखिए ऐसे नॉट लगा दीजिए अच्छे से, ताकि यहाँ पे हमारा कुछ ऊन छोटा ना पड़े, खुल ना जाए। ये देखिए ऐसे, और अब हम इसकी नॉर्मल बिनाई कर लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए इसको बिल्कुल इस तरीके से हम, ये हमारी तीसरी सिलाई है। इसी तरीके से हम टोटल 10 लाइन यानी कि टोटल 20 सिलाई बिन लेंगे। 20 सिलाई बिनने के बाद इसी तरीके से इसको भी हम उतार लेंगे। ये देखिए ये 10 लाइन पूरी हो गई है। अब हम इसको यहाँ से उतार देंगे, जैसे पिछला वाला हमने उतारा था, इसको भी हम इस तरीके से पूरा उतार देंगे ऐसे नॉर्मल, टाइट लूज नहीं। जैसे हम बिनाई कर रहे हैं, जैसा हमारा हाथ बिनाई के लिए चल रहा है, उतने ही इसको ढीला रखना है। इस तरीके से इसको भी हम पूरा उतार लेते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये मेरा यहाँ पे पूरा उतर गया। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, ये क्लॉकवाइज जाएगा। पहले हमने ऐसे बनाया, फिर इधर से फंदा उठाया यहाँ बंद करने के बाद। अब देखिए ये यहाँ बंद हो गया है, तो हम यहाँ फंदा उठाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा कलर लगाइए, कोई भी तीसरा कलर लगाइए, या आप अगर बॉर्डर की तरह कुछ अलग बनाना चाहती हैं तो मैं ये वाइट से ही बनाऊंगी। मैं बीच में एक ये डार्क ये ब्लू रखूँगी और फिर इसके बाद ये वाइट, या आप चाहें तो ऐसे ब्लैक कलर भी यहाँ पर लगा सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इसको वाइट से ही आगे करूँगी, मैं एक इसका पूरा ये घेरा जो है वाइट से कंप्लीट करूंगी। तो एक साइड मेरा हो गया है, अब इस ऊन को यहीं रहने दूंगी क्योंकि इसको मैं कट नहीं कर रही हूं। अगर मुझे दूसरा लगाना रहता तो मैं यहां पे फिर ब्लैक लगाती या कोई और भी कलर। तो ये देखिए अब यहां से हम ये उठाएंगे, यहां पे 10 फंदे, एक ये रहने देंगे, एक, दो, तीन, चार, एकदम किनारे पे उठाना है ये, जो देखिए हमारा जो बना हुआ है, पाँच, छः, सात, आठ, ये नौ, और ये हो गया हमारा 10 फंदे, और एक ये हमारा 11।
2, 4, 6, 8, 10 और 1 ये 11। अब यहाँ पे जो हमने फंदे डाले हैं, जो हमारा ये देखिए केबल जैसा बना हुआ, इसमें हम करते हुए 20 फंदे हम इसमें भी उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वी जैसा जो हमारा बना है, जो बिनाई करते हैं हमारी चोटी जैसी बनती है, उसमें हम ये करके ये फंदे उठा लेंगे। ये हो गया 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 1 एकदम किनारे 20, ताकि हमारा ये जो बिनाई है वो बिल्कुल बराबर आए। एकदम किनारे पे बीच में जाली ना आए, इसको आराम से यहाँ से किनारे का है थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे टोटल मेरे 31 फंदे हैं, तो ये ऐसे बीनते हुए लास्ट वाला 2 का 1 कर दूंगी और इसी तरह 10 लाइन यानी कि 20 सिलाई यहाँ पे भी मैं बना लूँगी। इसको भी अब इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए इसको भी मैंने ये बना के यहाँ पे बंद कर दिया है। अब इस तरफ हम फंदा उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ ये देखिए ये वाला तो रहेगा ही, 10 फंदे यहाँ और 20 इस पे उठाएंगे। फिर इसी तरह से 10 लाइन ये हमारा जब हो जाएगा 20 सिलाई बनाने के बाद, इसको उतार देंगे और फिर यहाँ से यहाँ उठाएंगे। तो इस तरफ जो हम फंदे उठाएंगे, यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ 21 फंदे उठाए थे, यहाँ हमारे 31 फंदे यानी कि 30 फंदे उठाए थे, यहाँ पे भी हमारे 30 फंदे रहेंगे और एक ये 31। लेकिन यहाँ जब हम उठाएंगे फंदा तो ये 20, ये 10 और यहाँ का 10 यानी टोटल 40 और एक ये जो फंदा रहेगा वो। यहाँ पे हमारा इस साइड में टोटल 41 फंदे उठेंगे। आप चाहें यहाँ से जैसा मैंने कहा आप कलर चेंज कर सकती हैं, मैं इसी से बनाऊंगी। बीच में मेरा एक ये ब्लू का ब्लॉक रहेगा, फिर मैं इसके चारों तरफ एक वाइट सर्कल करूंगी चारों तरफ, फिर इसके बाद मैं ब्लैक लगाऊंगी। तो ये इस तरीके से मेरा आ रहा है, देखिए ये। अब यहाँ पर भी 30 फंदे, इसको इसी तरह से 10 लाइन बनाने के बाद मैं उतार दूंगी और फिर यहाँ से यहाँ तक 40 फंदे। इसको भी ये अब हर बार हमारी 20-20 सिलाई बनेगी, यानी कि ये जो 10 लाइन हमारे ये तैयार हो रहे हैं इस तरीके से। बस बीच वाला पोर्शन हमारा 20 फंदे का और ये 40 सिलाई यानी कि 20 लाइन का था। अब इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे, फिर यहाँ का भी हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा, अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ हम करेंगे तो ये हमारा फिफ्थ लाइन शुरू होगा। ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ का ये बना के इसको बंद कर दीजिए, एक दूसरा कलर का बनाइए उसको इसमें अटैच करिए, या आप इसी में इसके बाद ये जब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से इस तरफ के लिए आप दूसरा कलर लगाइए। अब यहाँ से देखिए ये जो है ये जब कंप्लीट हो जाएगा बिनने के बाद तो ये आ जाएगा अच्छे से। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा था 20 फंदे यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, टोटल ये 40 हो जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो फिर ये देखिए आप यहाँ 10, ये 20 और ये 10। अब इस हिसाब से हमारे ये फंदे बढ़ते रहेंगे। तो ये आप चाहे एक ये स्क्वायर बना के
एक इसी कलर का दूसरा बना के इसको अटैच करिए, या आप चाहें तो इसी को और बड़ा बड़ा पीस बना के आप जो चाहें वैसा इसको पूजा आसन बनाइए, डोरमेट बनाइए, या जैसा मैंने कहा कंबल बनाइए, या आप बेडशीट पूरा बना लीजिए जाड़ों में बिछाने के लिए, बच्चे बच्चे उनसे मल्टी कलर से अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यहाँ से बस इसी तरीके से ये वाला फंदा जब हम उधर से बिनते हुए आएंगे तो लास्ट में इसको फिनिश कर देंगे, और यहाँ से इसी तरह फंदे उठाते हुए इसको भी हम पूरा उठा लेंगे। ये जो हम लोगों का ये जो उल्टा उल्टा बिना है, इसके बीच में जो ये लाइन आती है, इसी में इस तरीके से हम इसको उठा लेंगे ऐसे। तो इसी तरीके से अब देखिए, ये 10 फंदे, 20, ये हो गया 30, और ये 10 हो गया 40, 40 फंदे। अब इस तरफ जब हम उठाएंगे तो यहाँ से भी फिर वही आएगा हमारा 10, ये हमारा 20, और ये 10 40 हो जाएगा इस तरीके से। अब ये हमारा ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। ये आप बड़ा बनाना चाहें बड़ा बनाइए, हर बार आपका ये जो है इस तरह से स्क्वायर यहाँ हम कर देंगे तो एक हमारा चौकोर पीस तैयार हो जाएगा। तो आप मल्टी कलर से बनाइए, दो कलर से बनाइए, तीन कलर से बनाइए, जो आपको पसंद आए। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से ये पैटर्न आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं आपको आगे और भी डिज़ाइन बताऊँगी, और ये अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।